पलवल की प्रमुख एजुकेशनल फैकल्टी मानी जानी वाली गरूर क्लासेज में शनिवार को एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नीट 2024 के टॉपर स्टूडेंट्स एवं उनके पेरेंट्स को सम्मानित किया गया। गरूर क्लासेज के संचालक अशोक गहलोत ने बताया कि गरूर क्लासेज में फर्स्ट स्टेप में ही छात्र मनदीप गहलोत ने 720 में से 675 अंक प्राप्त किए हैं। मनदीप ने इसी वर्ष 12वीं कक्षा में CBSE बोर्ड से 96.4 अंक प्राप्त कर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त कर जिला पलवल में गरूर क्लासेस तथा अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। गरूर क्लासेस के संचालक अशोक गहलोत एवं सभी छात्रों ने मनदीप के घर जाकर ढोल बाजे के साथ मनदीप गहलोत को फूलमाला पहनाकर, मोमेंटो देकर तथा मिठाई खिलाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर गरूर क्लासेस के सभी अध्यापक व छात्रों ने मनदीप गहलोत को कंघों पर उठाकर उनके घर कृष्णा कॉलोनी से गरूर क्लासेस तक रोड शो भी किया। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एज यू नो आई एम मनदीप गहलोत। आई हैव स्कोर 675 मार्क्स आउट ऑफ 720 नीट 2024 एग्जाम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक माई पेरेंट्स, टीचर्स एंड ऑल ऑफ द कोऑर्डिनेटिंग स्टाफ ऑफ द गरूर क्लासेस, बिकॉज विदाउट द सपोर्ट ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स इट इज नॉट पॉसिबल। And for my juniors, I have a suggestion, because the competition is all about confidence. पढ़ते तो सभी है, एक टेस्ट भी सभी देते, पर सारा गेम कॉन्फिडेंस का है। आप उस दिन कितना करके आते हो, आपका फ्यूचर उसी बात पे डिपेंड है। तो सबसे जरूरी कॉन्फिडेंस अटेन करने के लिए आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट देने पड़ेंगे। सेकेंड चीज, टीचर सभी को पढ़ाते हैं, टीचर सभी अच्छे होते हैं, बट यू नीड टू सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी रोज 6 to 7 आवर्स डेली एंड वीकेंड्स पे 10 to 12 भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए। सेल्फ स्टडी के लिए आज की डेट में आपको लाखों यूट्यूबर्स मिल जाएंगे जो कि आपको गाइड कर रहे हैं, पर सही मायने में वो आपको मिसगाइड करते हैं। उनका काम है कंटेंट, वो तो बस आपको वो चीज दे रहे हैं जो उनको अच्छी लग रही है और आपको अच्छी लगे व्यूज के लिए। बट यू शुड नीड टू मेमोराइज कि आपको अपना ही शेड्यूल बनाना पड़ेगा, जब ही जाके बात बनेगी। इसके लिए आपका जो सबसे बड़ा शुभचिंतक है वो होंगे आपके पेरेंट्स, माता पिता। माता पिता के बिना ना तो आज तक कोई सफलता हासिल कर पाया, ना ही मेरे हिसाब से कोई कर पाएगा। तो मैं तो सबसे इस मंच के माध्यम से अपने पापा को और अपनी मम्मी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उन्होंने मेरा इतना साथ दिया। सेकंड नंबर पर जो मेरे टीचर्स थे, उन्होंने भी मेरा शेड्यूल जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ प्रिपेयर करवाया, जिससे कि मैं डेली कंसिस्टेंट रहा स्टडीज के लिए। तो सभी जूनियर से मैं तो यही आशा करूंगा, आप भी इससे अच्छा करके दिखाएंगे। और मैं एक जो आपके लिए टिप रहेगी कि अशोक सर जो कि अब आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप उनकी एक एक बात माने, क्योंकि ही इज वेरी एक्सपीरियंस्ड। वो चाहे आपको हो सकता है कंपटीशन की नॉलेज कम दे, बट वो आपको शेड्यूल बनाने में, आपकी सेल्फ स्टडी में, आपकी जो भी क्वेरीज होंगी उनको बहुत अच्छे से दूर करेंगे। तो फॉलो अशोक सर फॉर हिज गाइडेंस। थैंक यू एवरीवन। The mistakes I did were confidence level. The confidence level of mine was very low. In last month, 1 month, I was like, I'll not be able to crack NEET, but my teachers, my parents supported me a lot. If you want to increase your confidence level, just do not think about the consequences or results of anything. If you want to overcome your fear, then go through so many mock tests and meet the people who are going to increase your confidence level. Your teachers and your parents are definitely going to support you. You need their support and just do the hard work. Thank you. पहले साल में आया कि एकेडमिक के साथ अगर बच्चा पहले ही साल में इतना अचीव करता है तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी संस्थान के लिए। उसी को करके हमको थोड़ा सा उत्साह मिला। हमने गरुड़ क्लासेस को पहली बार लॉन्च किया है पलवल के अंदर, जिसमें आप सर यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे हो ना, उनके पेरेंट्स का कोऑपरेशन जितना मुझे मिला है वो, उसके लिए मैं उनके बड़े दिल से, हार्दिक दिल से उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ और उन्हें विश्वास करना चाहता हूँ कि इस बार का जो रिजल्ट मेन्स का भी होगा और नीट का भी होगा, हम बेहतर ढंग से देंगे। सारा पैटर्न हमने एकेडमिक प्लानर तैयार कर लिया है। थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, थोड़ी एसी नहीं चल रहे हैं, छोटी मोटी चीजें हैं ना वो, उसका जितना भी आपने मेरे को योगदान दिया है वो भी आपका काबिले तारीफ है। और
उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार हमारे 5 बच्चों के 600 प्लस नंबर आए हैं, उसके द्वारा 5 बच्चे ऐसे भी थे जो हमारी गाइडेंस में रहे थे 12th के साथ, और वो आप यहाँ पे ड्रॉपर बने हुए हैं, और हो सकता है कि वो मंदिर का रिकॉर्ड हो गए। सम्मानित करेंगे, ठीक है, और इंस्टीट्यूट में आके उसको एक अच्छा गिफ्ट और प्लस में एक अच्छी चीज, मतलब जो भी गिफ्ट हमसे प्रोवाइड होगा वो हम डिलीवर करेंगे। गरुड़ क्लासेस की तरफ से, सभी पेरेंट्स तरफ से, सभी टीचर्स तरफ से इस रिजल्ट की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले जो रिजल्ट्स हों वो रिजल्ट रिकॉर्ड क्रेकिंग हो। रिकॉर्ड क्रॉकिंग मीन्स अगर आप अपने ही इंस्टीट्यूट के रिजल्ट को क्रैक करने की कोशिश करेंगे, तो जैसे कि मैं आपको बहुत बड़ी घटना बता देता हूँ, मनदीप का भाई जो संदीप था वो अपने स्कूल का डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा था CBSE का अपने बैच में मेडिकल साइंस का, उसके बाद उसका रिकॉर्ड मनदीप ने तोड़ा। दूसरी बात, एक प्लस पॉइंट ये रहा मनदीप के लिए खास तौर से कि उसने रिजल्ट देके डिस्ट्रिक्ट टॉप करना, एकेडमिक बेस पर के डिस्ट्रिक्ट टॉप करना मेडिकल साइंस में CBSE से, और साथ साथ नीट में 675 मार्क्स लाना, ये कोई बहुत ऐसी उपलब्धि नहीं है, इसे वही बच्चे करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में 675 प्लस, वही जाते हैं जो 6 क्लास से कोचिंग शुरू कर देते हैं, स्कूल से कोई लेना देना नहीं होता, वो चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट में हो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अभी मैं एक बात सुन रहा था, ये कोई एक दिन की मेहनत नहीं होती है। जब वीना मैडम ने मीन मनदीप की मम्मी ने इसको कलम पकड़नी सिखाई होगी, प्रभा मैडम ने इसको कलम पकड़नी सिखाई होगी, ये उस दिन से ही तय था। एक मनदीप की घटना बताऊंगा मैं आपको आज, कि जब हमारा ग्लोबल का इंस्पेक्शन हो रहा था, ये उस समय शायद 5th क्लास में पढ़ रहा था, 5th या 6th क्लास में, तो ये 5th या 6th, 5th तो कम से कम थी शायद, तो ये कंप्यूटर लैब में बैठा हुआ था ग्लोबल में कॉर्नर पर, और जो फैकल्टी आई वो सीधी इसके पास चली गई, मैंने कह रहा था छोटा बच्चा है कुछ बता नहीं पाएगा। उस दिन जो इसने उनको जवाब दिया था कम्युनिकेट करके कम्प्लीटली इंग्लिश में, तो वो जो CBSE की बहुत अच्छी टीम थी, बहुत दूर दूर के उच्च कोटि के उसमें अधिकारी थे आए हुए थे, वो भी एक गांव के जंगल में स्कूल के देख करके, उस बच्चे को देख करके वो भी हमको कितना शायद अप्रिशिएट करके गए थे, वो अकल्पनीय बात होती है। तो तभी कहा गया कि हो नार वीरवान के हो चीखने पापा, ये एक दिन की मेहनत नहीं, कॉन्फिडेंस की बात है। एक बात इसने कही थी कि 6 to 7 hours आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। देखिए अगर आप 6 to 7 ये एटलीस्ट था, एटमोस्ट नहीं था, एटमोस्ट तो स्टडी कुछ होता ही नहीं। इस बच्चे ने आपके लिए एक वर्ड यूज किया था एटलीस्ट 6 to 7 hours मीन्स कम से कम 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी, और अगर 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो सोने पे सुहागा, ये सब बोला थे। अगर आप इसकी बात को अपने दिल में रखते हैं और सोचते हैं कि हमें करना है तो आपको यही बनना पड़ेगा। उसके साथ साथ इन्हें एक बात कही, भाई माता पिता का सम्मान, ये बहुत बड़ी बात, जो बच्चा अपने गुरु का माता का पिता का सम्मान नहीं करता वो चाहे 14 घंटे पढ़ ले चाहे 16 घंटे पढ़ ले, बिना उनकी विशेष के आपको सफलता हासिल नहीं होने वाली है। दिमाग में गांठ बांध लो, मैं अपनी स्पीड में स्कूल में बोलता हूँ और यहाँ बोलता हूँ, बच्चा वही फलेगा वही आगे बढ़ेगा जो अपने माता पिता का गुरु का सम्मान करेगा, गुरु की परीक्षा कम से कम लेगा। मैं कितनी बार बोलता हूँ कि अगर बच्चे टीवी और प्रॉब्लम्स लाते हैं अदर इंस्टीट्यूट से और टीचर के सामने रख देते हैं और फिर कहते हैं हमारे टीचर प्रॉब्लम सॉल्व आउट नहीं, बेटा इतना लंबा सिलेबस होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी का कि कोई इसमें कॉम्पिटेंट नहीं है, जो 720 ला रहा है वो भी कॉम्पिटेंट नहीं है, उसमें सारी चीज मास्टरी नहीं होती है। हम सब जो टीचर्स हैं एक सिलेबस से बंधे हुए हैं, उस सिलेबस के टीचर अब एकेडमिक टीचर हैं, वो बोर्ड क्लास से बंधे हुए हैं, कोचिंग फैकल्टीज हैं या आपके IIT और नीट के हिसाब से बंधे हुए हैं, तो कभी भी अपने गुरु की परीक्षा ना लें।
ये गांठ बांध ले कान पकड़े हर बच्चा कि मुझे गुरु की परीक्षा नहीं लेनी, अपनी प्रॉब्लम पूछनी है। तो क्योंकि दो बातें होती है, गुरु के सामने जब शिष्य जाता है तो दो प्रश्न आते हैं उसके दिमाग में। एक प्रश्न बेटा ये आता है कि मैं अगर अपने सर से प्रॉब्लम पूछूंगा तो कहीं सर ये ना समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है, ये माइंड में आती है बात है। और अगर मैं इसे नहीं पूछता हूं तो फिर मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ये जब भरद्वाज ऋषि जी और याज्ञवल्क्य जी का डिस्कशन चल रहा था मकर संक्रांति पर, रामायण में लिखा हुआ है, तो उसने कुछ बात पूछनी चाहिए, दोनों समकालीन थे और विवेक में भी सब परम ज्ञानी लोग थे दोनों। तो उनके मन में बात आई कि मैं याज्ञवल्क्य जी से फिर से पूछूं या ना पूछूं। तो उसने पहले यही बात कही थी कि गुरु महोदय अगर मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ तो आपके मन में यह आएगी कि इसको अहंकार है इसलिए मुझे पूछ रहा है, और अगर नहीं पूछता तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो स्टूडेंट्स की मर्यादा ये होती है कि उसको प्रश्न तो पूछना चाहिए अपने अध्यापक से, और खूब जबरदस्त तरीके से पूछना चाहिए, अच्छे अच्छी प्रॉब्लम लानी चाहिए, बट परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं। अगर आप कहीं बाहर ट्यूशन लेते हैं, एक टीचर दो सवाल कर देता जब टीचर से करा लेता और सर क्यों करा लूँ, या आपको आप भी फैकल्टी मेंबर कहते हैं कि भाई मैं आपको प्रॉब्लम दे रहा हूँ आप परमानेंट टीचर करा लो, सर क्यों करा लें आप ही कर दीजिए इसको। तो जो टीचर इस तरह की आपको पैसन देता है या हमारे टीचर देते हैं तो ये भी गलत है कि बेटा ये ले जाओ प्रश्न और इसे आपको किसी पे किसी क्लास किसी और अदर इंस्टीट्यूट पर स्कूल में करा रहे। तो मीन्स क्या है कि वो टीचर अपने स्टूडेंट्स को खराब कर रहा है, वो टीचर अपने स्टूडेंट्स को अपने कर्तव्य निष्ठे से आपकी ईमानदारी से भटका रहा है। तो कभी भी इस तरह की सोच आप जीवन में ना रखें कि अगर कोई टीचर या कोई ट्यूटर केवल क्या होता है भी आप यहाँ पढ़ रहे हैं फिजिक्स आपकी कम समझ में आ रही है, आप किसी और इंस्टीट्यूट के टीचर को फिजिक्स पढ़ने लगे फिर वो क्रॉसिंग होगी। जैसे अभी मंदीप बता रहा था, मैं खुद अपना अनुभव बता रहा हूँ इस बात में कि मैं हमेशा यूट्यूब चैनल्स की मैं हमेशा क्रिटिसाइज करता हूँ, हमेशा क्रिटिसाइज करता हूँ, मुझे नहीं कुछ मेरी कोई दुश्मनी, पर उनमें भड़काऊ बातें ज़्यादा होती हैं, स्वादिष्ट व्यंजन ज़्यादा होता है, काम आने वाला कम होता है। तो आप अगर मोबाइल का यूज चाहते हैं तो एक तो आप कतई भी अगर आपको रिजल्ट लाना है वो चीज़ पर पैर रख लिया किसी भी स्टूडेंट्स ने, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मेरे आपके सामने बैठे हैं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं सच में, आप लोग आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं।